हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्लॉग जो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद से चिराला। चिराला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शहर है। यहाँ के लोग ज़्यादा हाईफाई नहीं होते हैं, फिशिंग करते हैं मैक्सिमम लोग यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो सामने बीच दिख रहा होगा। और सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें घूमने के लिए नहीं है कि आप घूमोगे बहुत ज़्यादा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप रिजॉर्ट बुक कीजिए और रिजॉर्ट में बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं घूमने फिरने के लिए। और जस्ट सामने बीच होता है और मॉर्निंग में आप सनराइज देख सकते हो। तो सुबह हम उठे और सनराइज देखने के लिए गए सुबह 6 बजे, तो आप देख सकते हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सनराइज कैसे होता है यहाँ पे। तो रिजॉर्ट से हम बाहर निकल चुके हैं और जस्ट सामने आपको बीच दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं रायवेरिया बीच रिजॉर्ट के ऊपर। तो ये है हमारा रिजॉर्ट, बाहर से आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे रायवेरिया बीच रिजॉर्ट भी लिखा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है ये अंदर से, इसके अंदर सब कुछ है और आप बीच देख सकते हो। माई गॉड, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर सैंड ऐसा है ना कि चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सैंड बहुत ही ज़्यादा अंदर चला जा रहा था। तो सुबह सुबह हम उठे यहाँ पे सनराइज देखने के लिए और आप देख सकते हो सन नहीं निकला हुआ है। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सनराइज कैसे होता है और कितना ब्यूटीफुल दिखता है। और मैं अपने भाई के साथ आई थी यहाँ पे, आपको मेरा भाई भी दिख जाएगा, वो फोटो क्लिक कर रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही शांत वाली जगह है, आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और यहाँ पे सनराइज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और चिड़ियों की चहचहाने की भी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर क्लिक करवाने के बाद हम रिजॉर्ट जाते हैं वापस, क्योंकि हमें पूल को भी इंजॉय करना था। और मैं आपको यहाँ से पूल का भी व्यू दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एक बड़ा पूल है जिसमें बड़े लोग नहा सकते हैं और एक छोटा पूल है जिसमें बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये पूल को बहुत ही अच्छे से इन्होंने रखा है, क्लोरीन वगैरह डालते हैं, पानी भी चेंज करते रहते हैं, तो कोई डर नहीं है, आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए एक लुक ले लेते हैं इसका कि ये कैसा दिखता है यहाँ से। सो यहाँ पे हम 3 नाइट्स रुके हुए थे और हम 3 अडल्ट्स थे। तो यहाँ का जो हमें चार्ज पड़ा वो है 15,000 और एक बच्चा भी था हमारे साथ। तो इसका रेट रिजनेबल है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा बेड लगवा सकते हैं अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये छोटे बच्चों का पूल है तो बहुत तेज़ धूप निकल चुकी है, तो हम वापस जाएँगे और फ्रेश होंगे और बफेट की तरफ जाएँगे क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना है। तो आप देख सकते हो हम जा रहे हैं और यहाँ का आप पार्क देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि रिज़ॉर्ट के अंदर रूम्स वगैरह कैसे दिखते हैं। तो ये है यहाँ पे जो सारे रूम्स बने हुए हैं छोटे छोटे विला टाइप के, और ये है वो बालकनी, इसके अंदर रिसेप्शन है। और ये है रूम, रूम के बाहर 2 चेयर लगे हुए हैं ताकि आप इंजॉय कर सको, सन बाथ ले सको। और रूम के अंदर की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है। सो लेट्स इन्जॉय। तो चलिए मैं अपना एरिया दिखाती हूँ जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था। तो ये है उसका विंडो, तो विंडो को हम कभी कभार खोल लेते थे तो अच्छा अच्छी हवा आती थी यहाँ से। और ठंड का मौसम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा वेदर है। आप सामने का एरिया देख सकते हो, यहाँ पे धूप आती थी तो हम बैठते भी थे चेयर लगा के। तो अब हो गया है ब्रेकफास्ट करने का टाइम, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं बफेट में क्या था। और जब तक हम वहाँ पहुँचते काफ़ी लेट हो चुका था, खाना लगभग ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे पूड़ी, सब्ज़ी, पोहा, इडली, सांभर, उत्पम, बहुत सारी चीज़ें थी, फ्रूट्स वगैरह थे, जूसेस थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस से बीच पे आए, दोपहर हो चुकी थी, लगभग 12:30 एक बज चुका था। तो हम देखने आए थे कि यहाँ पर दोपहर में कैसा लगता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो
तो बीच पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2:30 से 3 बज गए और भूख लग गई थी काफ़ी तेज़, तो हम रिजॉर्ट गए वापस, क्योंकि लंच करने के लिए आपको बाहर कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, आपको रिजॉर्ट में ही सब कुछ खाना पीना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको चाय भी रिजॉर्ट में ही मिलेगा, आप बाहर से कोई चाय नहीं पी सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था, रोटी, एंड यहाँ का खाना जो है ना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया था। कोई भी रेस्टोरेंट का खाना ये फेल कर सकता था, अच्छा था। यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, तो आप ये स्टाफ को देख सकते हैं। और यहाँ का ये एरिया है जहाँ पे खाना सर्व होता है, बफेट भी यहीं लगता है। तो लंच करने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और जब हम उठे तो रात हो चुकी थी। तो रात का सीन मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का। और रात में बाहर बीच के साइड में कुछ लोग बोन फायर करते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो एक दो लोग थे वहाँ पे कुछ कर रहे थे। तो हम वापस आ गए और वापस हम रिजॉर्ट में आए, तो यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी बना है, तो हमने थोड़ा बहुत पार्क में एंजॉय किया। और बच्चों का जो झूला था उस पर हमने भी थोड़ा बहुत झूला, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा शादी वगैरह का फंक्शन चल रहा था, तो उसकी डेकोरेशन भी यहाँ पे चल रही थी। तो आप देख सकते हो ये झूला है, तो यहाँ पे हमने झूला भी झूला। बच्चों के पार्क में मज़ा करने के बाद हम वापस से रूम में गए और हमने ऑर्डर किया डिनर। और यहाँ पे सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि आपको बाहर रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, आपको रिजॉर्ट का ही खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगल बगल आसपास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ तक कि अगर आप अकेले बाहर निकलोगे तो भी आपको डर लगेगा। तो यहाँ पर चिकन बिरयानी ऑर्डर हुआ है, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्होंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी, और मैंने ऑर्डर किया था पनीर, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। कढ़ाई पनीर मैंने ऑर्डर किया था जो हमने लंच में खाया था, और रोटी रायता देख सकते हैं एंड सैलड था। तो खाना नंबर 1 का था यहाँ पे, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, बेस्ट खाना था, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं आपको मिल जाएगा। तो डिनर करने के बाद मैं वापस से आपको बीच पे ले जाऊंगी, और वहाँ पे कुछ फैमिली जो है वो पार्टी इंजॉय कर रही थी, बोन फायर कर रही थी, 2 फैमिली थी। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे, और आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। और ये जो चेयर लगे हुए हैं उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, 2 से 2500 रुपये देने पड़ते हैं आपको। ये सामने आपको रिजॉर्ट दिख रहा होगा, कुछ लाइटिंग वगैरह है थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम रूम पे जाएंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो चेकआउट का टाइम है, तो आप देख सकते हैं रिजॉर्ट बाहर से कैसा दिख रहा है। यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए थे और फ्लावर्स बहुत अच्छे थे, तो बहुत ही अच्छा नेचर वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे जो ये जो प्लेस है ना बिल्कुल शांत है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। तो अगर आपको अपना माइंड फ्रेश करना है और आप हैदराबाद में रहते हैं तो आप डेफिनेटली इस प्लेस पे आ सकते हो। तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, यानी कि हैदराबाद, और हम अपने गाड़ी से ही आए थे। बहुत ही इजी है गाड़ी से आना, अगर आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है तो आप 4 से 5 घंटे में आराम से पहुँच सकते हो। और आप सामने बीच देख सकते हैं, और इसको हमें कहना पड़ेगा बाय बाय। तो बाय बाय चिराला, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।